नमस्कार मैं हूं प्रज्ञा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आर्थिक अपराध में टॉप 10 में शामिल हुआ बिहार लेकिन पाठक ने जारी किया वार्षिक परीक्षा कैलेंडर टूट तो से प्रभावित बच्चों के निशुल्क इलाज हेतु सरकार ने किया एमओ तो थाना पुलिस सेट करना होगा काफी मुश्किल आज के दिन जन्मे है भारतीय क्रिकेट के ये पाँच धुरंधर इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार ऐसी आर्थिक अपराध में टॉप 10 में शामिल हुआ बिहार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस साल बिहार में आर्थिक अपराधों की संख्या दस रही जो राजस्थान उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के बाद सबसे अधिक है बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार आर्थिक अपराध के दो मामले अधिक दर्ज किए गए हैं बिहार इस लिस्ट में आर्थिक अपराध के मामले में छठे और साइबर अपराध के मामले में सातवें स्थान पर है हालांकि बिहार गंभीर अपराध के मामले में टॉप दस से बाहर हो गया है मालूम हो कि बीते दिन यानी कि मंगलवार को बिहार में साइबर बदमाशों के द्वारा इक्कीस लोगों के खाते से बारह लाख रुपए की निकासी कर ली गई है बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे तो यह खबर आपके लिए है बता दें कि आयोग की ओर से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जिसमे कुल तीन अभ्यर्थी सफल हुए हैं मालूम हो कि इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा में कुल एक छात्र सफल हुए थे जो मुख्य परीक्षा में भाग लिए थे ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा में सफलता पा ली गई है वो इंटरव्यू में शामिल होंगे जिसकी तारीख जल्द ही जारी की जाएगी। वहीं इंटरव्यू के बाद ही असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा बता दें कि परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट sttps/columns/www.bpsc.bih.nic.in/ पर जाकर देख सकते हैं। बिहार में 28 प्रतिशत सड़क किनारे फुटपाथ नहीं बिहार सरकार के परिवहन विभाग की समीक्षा में पाया गया है कि राज्य में 28 प्रतिशत सड़कों से फुटपाथ गायब है इसके अलावा 40 प्रतिशत फुटपाथ ऐसे हैं जहां किसी न किसी कारण से अतिक्रमण कर लिया गया है रिपोर्ट को देखते हुए एक बार फिर से सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए विभागीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है जिसके तहत बताया गया है की जहाँ फुटपाथ नहीं है उन सड़कों के किनारे फुटपाथ बनाया जाए शहरी इलाकों में जबरा क्रॉसिंग एवं फुटपाथ की पूर्ण व्यवस्था करे इसके साथ ही पैदल पथ को लेकर साइनेज लगाने की रफ्तार तेज करे और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराए इसके अलावा बिहार में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने और ओवरलोडिंग वाहनों पर पूर्ण रूप अंकुश लगाने के लिए एन और ग्रामीण सड़कों पर पाँच चलन दस्ता सिपाहियों की तैनाती करने का निर्णय लिया गया है के के पाठक ने जारी किया वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के द्वारा वर्ष 2024 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है जिसके अंतर्गत अब हर महीने मंथली एग्जाम लिया जाएगा जिसके तहत कक्षा नौवीं के लिए मंथली एग्जाम का आयोजन 22 से 25 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी वही कक्षा एक से आठ तक के लिए मंथली एग्जाम उनतीस जनवरी और तीस जनवरी को आयोजित किया जाएगा इस कैलेंडर के मुताबिक चौदह मार्च तक नौवीं कक्षा का क्लास चलेगा वर्ग आठ और पाँच का संचालन पंद्रह मार्च दो तक किया जाएगा सोलह से बीस मार्च के बीच नौवीं की वार्षिक परीक्षा ली जाएगी इसी दौरान पांचवी और आठवीं की वार्षिक परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। वही दूसरे महीने यानी फरवरी में भी वर्ग एक से आठ तक मासिक परीक्षा सत्ताईस और अट्ठाईस तारीख को ली जाएगी इसके साथ ही वित्तीय वर्ष दो के लिए एक अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हो जाएगी रोहतास से कोलकाता का सफर हुआ आसान वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीन फील्ड हाईवे रोहतास से होकर गुजरेगी बता दें इसका तीन पैकेज सासाराम में पड़ेगा इसमें पैकेज तीन अवार्ड कर लिया गया है पैकेज चार और पांच का डीपीआर बन रहा बता दें संबंध में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा सांसद को पत्र भेजकर बताया गया की वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीन हाईवे रोहतास से गुजरेगी इस रास्ते में आने वाले सोन नदी पर बने पंडुका पुल को एनएच एक सौ जोड़ा जाएगा इसके लिए अकबरपुर जरदाह सड़क को फिर से अलाइनमेंट होगा वही झारखंड में एनएच उनतीस आरोप श्रीनगर कडवा तक विस्तारित होगा इसके अलावा बिहार और झारखंड सरकार से मंत्य मांगा गया है मालूम हो कि परियोजना दो करोड़ से परियोजना दो वर्ष में पूरी होगी आज है सैयद अब्दुल समद का जन्मदिन जाने कौन है ये सैयद अब्दुल समद का जन्म आज ही के दिन अठारह में ब्रिटिश भारत में वर्धमान बंगाल प्रेसिडेंसी अब पश्चिम बंगाल में हुआ था यह बंगाल के एक बांग्लादेशी भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी थे जिसे फुटबॉल जादूगर कहा जाता है उन्होंने 1924 में भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए खेला और उन्नीस में इसकी कप्तानी की उन्होंने फॉरवर्ड के रूप में खेला सबंद ने इंटर स्कूल टूर्नामेंट में पूर्णिया जिला स्कूल के लिए फुटबॉल खेला और एक मैच में उमापति कुमार के किशनगंज हायर इंग्लिश स्कूल के खिलाफ दस शून्य की जीत में उन्होंने अपनी टीम के लिए सभी दस गोल उन्होंने अपने स्कूल टीम को प्रतिष्ठित फॉक्स कप जीतने में भी मदद की वह उन्नीस में कलकत्ता मेन टाउन क्लब में शामिल हुए उन्नीस सौ से उन्नीस के दौरान उन्होंने रंगपुर के ताजहट फुटबॉल क्लब के लिए खेला भारत की राष्ट्रीय टीम के सदस्य के रूप में उन्होंने बर्मा सलोन हांगकांग चीन जावा सुमात्रा मलय बोर्नियो सिंगापुर और ब्रिटेन का दौरा किया अड़तीस साल की उम्र में वह मोहम्मद सपोर्टिंग क्लब में शामिल हो गए और उन्नीस सौ के दौरान क्लब के स्वर्ण युग में खेले क्लब फूड ऐसी प्रभावित बच्चों के निःशुल्क इलाज हेतु सरकार ने किया एमओयू राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार एवं क्योर इंडिया के साथ क्लब फूट यानी कि टेढ़े मेढे पैर से प्रभावित बच्चों के निशुल्क इलाज के लिए इकरारनामा यानी कि एमओयू विस्तारित किया गया है बता दें कि इकरारनामा की अवधि जुलाई 2028 तक विस्तारित की गई है मालूम हो कि इकरारनामा के दौरान राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह एवं क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर अतुला जमीन मौजूद रहे आपकी जानकारी के लिए बता दें की वर्तमान में पूर्व ऐसी इंडिया के सहयोग ऐसी राज्य के कुल छह चिकित्सा महाविद्यालयों क्लब फुट क्लिनिक संचालित की जा रही है विस्तारित इकरारनामे के अनुसार दो अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों यथा एस के मुजफ्फरपुर एवं जे के मधेपुरा एवं सात जिलों के सदर अस्पताल और औरंगाबाद बेगूसराय जहानाबाद जमुई पूर्णिया रोहतास तथा शिवहर में क्लब फुट क्लिनिक स्थापित किए जाने की योजना है कर्नाटक में सौ टन मक्के के नीचे दबकर सात मजदूरों की हुई मौत पटना आया शव कर्नाटक के विजयपुरा के आलियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में एक प्राइवेट खाद्य प्रसंस्करण इकाई के गोदाम में सौ टन मक्का के ढेर के नीचे दबने से बिहार के सात श्रमिकों की मौत हो गई थी वहीं अब इन सभी सात श्रमिकों के शव को आज यानी कि बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर लाया गया बता दें इस घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा भी शोक व्यक्त किया गया उन्होंने कहा की निजी खाद्य प्रसंस्करण इकाई में हुए हादसे में बिहार के सात मजदूरों की हुई मृत्यु दुखद शोक तो संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है इस घटना में बिहार के मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो दो लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया गया साथ ही इस हादसे में घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है अब थाना पुलिस सेट करना होगा काफी मुश्किल बिहार में डीजीपी आर एस भट्टी के द्वारा ऐसा काम कर दिया गया है जिससे कि अब केस मुकदमों में फंसे लोगों को पुलिस और अधिकारी को सेट करना काफी मुश्किल होगा दरअसल थाना और थाना से जुड़े पुलिस अधिकारियों के मूवमेंट साथ शिकायत प्राथमिकी की एंट्री के आधारित दस्तावेज स्टेशन डायरी को डिजिटल करने की शुरुआत कर दी गई है बता दें कि इसके सबसे पहले शुरुआत बिहार की राजधानी पटना में हो चुकी है वही राज्य के अन्य जिलों में इसकी शुरुआत पंद्रह दिसम्बर के बाद हो जाएगी मालूम हो की बिहार पुलिस का यह लक्ष्य है की नए साल यानी की एक जनवरी ऐसी थानों में कागज के स्टेशन डायरी बंद हो जाए और सब कुछ डिजिटल तरीके से दर्ज हो कि दूसरे सीनियर अधिकारी जब चाहे तब देख सके कर्पूरी ठाकुर की सौवीं जयंती पर जेडीयू की महारैली जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा बीते दिन जेडीयू कार्यालय में आयोजित बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की सौवीं जयंती पर जेडीयू के द्वारा एक महारैली का आयोजन किया जाने वाला है बता दें कि इस महारैली में राज्य भर के अति पिछड़ा समाज के लोगों का एकजुटान होगा वही इस दौरान उमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा बैठक में शामिल सभी लोगों ऐसी यह भी कहा गया की दो और दो के चुनाव के लिए राजनीतिक तौर पर यह समय बेहद महत्वपूर्ण है मालूम हो की इससे पहले जेडीयू की ओर ऐसी बिहार की राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में संसद का आयोजन किया गया था जिसमें दलित महादलित समुदाय के लोग शामिल हुए थे आरजेडी नेता सेवानंद तिवारी को एक साल की कैद बिहार में जेडीयू कोटे के मंत्री संजय झा को अपशब्द कहने के मामले में आरजेडी नेता सेवानंद तिवारी को एक साल की सजा सुना दी गई है और इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा इनके खिलाफ दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है बता दें इसको लेकर बीते दिन एम पी कोर्ट में सुनवाई की गयी जिसमे आर नेता को दोषी पाया गया जिसको देखते हुए उनके ऊपर सजा और जुर्माना लगाया गया बता दें इस बात की पुष्टि संजय झा के वकील मधुकर आनंद के द्वारा की गई है मालूम हो की पूरा साफ मामला मालूम हो कि पूरा मामला साल 2018 का है जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी उस दौरान शिवानंद तिवारी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा के बीच के रिश्ते को लेकर कटाक्ष कर करते हुए अपशब्द कह दिया गया था जिसे संजय झा के द्वारा गंभीरता से लेते हुए शिवानंद तिवारी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवा दिया गया था चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस ने जेडीयू पर बोला हमला तीन राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है इसी कड़ी में अब कांग्रेस की ओर से पलटवार करते हुए जेडीयू पर हमला बोला गया है बता दें कांग्रेस नेता शकील खान के द्वारा बिना किसी का नाम लिए कहा गया है कि तीन राज्य में हारे हैं और एक में जीत दर्ज की है हम इस हार को भी दिलेरी से सामना कर रहे हैं लेकिन जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं वे अपने गिरेबान में झाके उन्होंने कहा की आज जो आरोप लगा रहे उनसे पूछिए की बीजेपी को यहाँ तक किसने लाया है देश भर में घूम घूम कर किसने भाजपा के लिए प्रचार किया है या आत्म मंथन का समय है और इस पर विचार करने की जरूरत है आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पर सीएम नीतीश का बयान आज यानी कि 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को स्थगित करने के बाद मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसके पीछे का कारण विपक्षी पार्टियों के नेता को कांग्रेस से नाराज होने को बताया जा रहा है इसके साथ ही ऐसी भी खबर चल रही थी कि इस बैठक में सीएम नीतीश भी शामिल नहीं होंगे लेकिन अब इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी गई है उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने को लेकर कहा की मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही है हाँ मुझे कोई पद नहीं चाहिए सिर्फ गठबंधन को मजबूत करना है उन्होंने कहा की ऐसी खबर छप रही थी की हम बैठक में नहीं जा रहे हैं मेरी तबियत खराब थी अगली बैठक होगी तो हम कहेंगे कि आगे की सभी चीजें तय कर ली जाए मैंने शुरू से कहा है कि देश के हित में है राजनीति में दिलचस्पी को लेकर मनोज बाजपेयी का बयान बिहार के लाल और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेताओं में से एक मनोज वाजपेयी के द्वारा प्रभात खबर के साथ हुए संवाद में अपनी राजनीति में दिलचस्पी को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि राजनीति उनका प्रिय विषय है उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर उनके टिप्पणी सटीक रही है लेकिन राजनीति में वह खुद नहीं आएंगे राजनीति का र भी मुझे नहीं पता चुनाव आता है तो सभी पार्टियों के फोन आने लगते है इसलिए मैं उठाना कम कर देता हूँ उन्होंने अपने करियर को लेकर जानकारी देते हुए बताया की वह अठारह साल की उम्र में पश्चिम चंपारण के बेलवा

करुण नायर के नाम शामिल है बता दें कि रविंद्र जडेजा के द्वारा सड़सठ टेस्ट मैचों में तीन शतक और उन्नीस अर्धशतक की मदद से दो रन बनाए गए हैं इस दौरान जडेजा के द्वारा लेफ्ट हैंड स्पिन गेंदबाजी से 275 विकेट भी चटकाए हैं एक सौ वनडे में जडेजा ने दो रन बनाए 220 विकेट लिए चौसठ टी इंटरनेशनल मैचों में चार रन और इक्यावन विकेट लिए हैं वहीं जसप्रीत बुमराह 30 टेस्ट नवासी वनडे और बासठ टी इंटरनेशनल मैच खेले हैं इन्होंने टेस्ट में एक वनडे में एक और टी में चौहत्तर विकेट अपने नाम किए इसके अलावा श्रेयस अय्यर दस टेस्ट मैचों में छह रन अंठावन वनडे में दो रन और इक्यावन टी20 में 1104 रन बना चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की और हमारा पहला सवाल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार आर्थिक अपराध के मामले में कितने नंबर पर है? ऑप्शन ए छह, ऑप्शन बी सात, ऑप्शन सी आठ, ऑप्शन डी नौ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छह। अगला सवाल बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के मुख्य परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 720, ऑप्शन सी तीन ऑप्शन डी में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तीन अगला सवाल 2024 वार्षिक परीक्षा के कैलेंडर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए नए सत्र की शुरुआत कब से होगी ऑप्शन ए एक मार्च ऑप्शन बी एक अप्रैल ऑप्शन सी एक मई ऑप्शन डी एक जून इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक अप्रैल अगला सवाल क्लब फूड से प्रभावित बच्चों के निशुल्क इलाज हेतु बिहार सरकार ने इंडिया के साथ एमओयू कब तक विस्तार किया है ऑप्शन ए मार्च 2027 ऑप्शन बी मार्च 2028 ऑप्शन सी जुलाई 2027 ऑप्शन डी जुलाई 2028 इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जुलाई 2028 अगला सवाल आज किस भारतीय क्रिकेटर का जन्मदिन है ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह ऑप्शन बी श्रेयस अय्यर ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा ऑप्शन डी में से सभी इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी में से सभी बीते दिन माद्रा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने मादरा पूछा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धनंजय कुमार धर्मेंद्र कुमार उमेश कुमार सन्हा राजदीपक कुमार ऋषिकेश साह मंटू कुमार राहुल कुमार सूरज विश्वकर्मा बिट्टू कुमार प्रेम सरस्वती कुमारी अलका राम सागर सिंह नौशद राजा लक्ष्मण कुमार रवि कुमार राम इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके क्षेत्र के सड़कों की क्या स्थिति है अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब ऐसी देखे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखे तो पेज को फॉलो करना भूले धन्यवाद